महागठबंधन और पूरी पार्टी और नवादा की आवाम महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन ने जो निर्णय लिया वो निर्णय सबके हित में लिया गया। बिहार में आज पहले चरण के चुनाव के मतदान का आज आखिरी दिन है। इस दौरान नॉमिनेशन का दौर जारी है और राजद के भी कई नेता आज नवादा पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर नॉमिनेशन कर रहे हैं। श्रवण कुशवाहा ने नॉमिनेशन कराया है, उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव, बाहुबली नेता अशोक महतो एवं प्रवक्ता सागरिका पासवान भी थी। सभी के साथ राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने 11:15 बजे नवादा समारण नाले पहुंचकर अपना नामांकन कराया है। इसके पूर्व उन्होंने अपने आवास कादिरगंज में नॉमिनेशन सभा को संबोधित किया, जहां भारी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। सैकड़ों छोटी वाहनों का काफिला उनके साथ दिखा। हालांकि प्रशासन द्वारा सभी वाहनों को नामांकन स्थल के पूर्व ही रोक दिया गया है। नामांकन के बाद समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया है। समर्थकों में काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नॉमिनेशन के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के नामांकन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव मुद्दा बनाम मोदी का है, जहां रोजगार, विकास और विश्वास की लड़ाई होगी। नवादा लोकसभा सीट बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई है। यहां वर्ष 2009 से बाहरी क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, वो जरा सुने आप लोग। पार्टी ने निर्णय लिया है, नवादा जिला, नवादा लोकसभा और पहले चरण के अंतिम दिन है 28 तारीख नामांकन। पूरा महागठबंधन और पूरी पार्टी और नवादा की आवाम महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन ने जो निर्णय लिया वो निर्णय सबके हित में लिया गया। पूरे बिहार में ए टू जेड की बात कही गई थी और ए टू जेड स्थापित किया गया। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, औरत हो, मर्द हो, सबका ख्याल करते हुए पार्टी ने विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी चयन किया है। नवादा की महान जनता स्थानीय मुद्दों के सवाल पर, स्थानीय के सवाल पर बहुत लोग हैं जो आते हैं बाहर से और चुनाव जीत करके चल जाते हैं। नवादा बार बार चला जाता रहा, इस बार पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी को चुना है। पहले भी हमारे प्रत्याशी मजबूत तरीके से लड़े हैं, भले ही हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है, सबका सहयोग। एनडीए से कैसा चुनौती है आप लोगों को? एनडीए का कोई हवा नहीं, आसमान में जो हवा देख रहे हैं सर्टन घरानों के माध्यम से, मोदी की लहर आसमान में है। जमीन पर जनता भाजपा के खिलाफ जहर है जनता के मन में, और आम और आवाम, नौजवान और किसान सब परेशान है। तो सवाल है कि देश चलेगा मुद्दों के आधार, लड़ाई मुद्दा बनाम मोदी की है। मुद्दा है आम आदमी का, महंगाई का मुद्दा है, नौजवान के नौकरी का, रोजगार का मुद्दा है, एमएसपी का, किसान का, जहां लाठियां बरसाई जा रही है। तो मुद्दा बनाम मोदी की लड़ाई में मुद्दा जीतेगा और मोदी हारेगा। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट।